हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी सुबह जो है ना हो चुकी है। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, तो जैसे ही सो के उठी देखा घर में पूरा तरफ पानी पानी था। मैंने सोचा पानी कैसे हो चुका है, तो बाहर जाके देखा तो मम्मी जो है सफाई कर रही थी। मम्मी जो है सुबह उठते के साथ ही पापा के सारे कपड़े धो दिए हैं, घर का सारा काम भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो बस मैं देख ही रही थी, आप ही देखो ये सब एरिया। मम्मी तो बहुत जल्दी उठ जाती है, मतलब मेरे उठने से कई घंटे पहले ही उठ जाती है। और ये जो है ऐसी सेल बी टाइप कॉलोनी है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि ऐसी सेल के मैनेजमेंट को ना अब ये घरों को ना पेंटिंग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेंटिंग के बिना उतना अच्छा नहीं लगता है। और ये ऐसी सेल कॉलोनी है ना, तो यहाँ ना कुछ अब बिकने हमेशा आते रहता है, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। और ये जो अंकल जी है ना, वो जरी शक्ति नगर के बहुत ही फेमस है। मतलब ये जो है मिक्स करके बेचते हैं, आपको जो भी चीज़ जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए वो देते हैं। और इनका सलोनी का भी टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये जरी और शक्ति नगर में ना काफ़ी फेमस है, क्योंकि इनका मिक्सर का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सब ना इन्हीं से ही खरीदते हैं। तो चलो आओ मैं दिखाती हूँ कि इन्होंने जो है ना क्या क्या रखा है। तो देखो ये कॉर्न होता है ना, कॉर्न का ये जो है तल करके इन्होंने रखा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो है ना चूरा जो होता है उसे जो है इन्हें तल के रखा हुआ है। और ये जो मूंगफली है इन्होंने अच्छे से फ्राई किया है, मतलब ना तो जला है ना तो कच्चा है। और ये जो मटर था, मटर के बाद फिर दाल है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अंकल जी अपने घर में ही बनाते हैं और फिर अपने ठेला में ले करके हमारे कॉलोनी में आते हैं। तो आपको अपने मिक्सर में जो भी डलवाना है जितनी भी क्वांटिटी में, जैसे अगर आपको मूंगफली ज़्यादा चाहिए तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रख लीजिए, या फिर आपको उसमें चूरा नहीं डलवाना है तो वो आप जिस तरह का कहोगे ना उस तरह का जो है अंकल जी बना के देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनका टेस्टी रहता है। पापा मम्मी हमेशा बनवाते हैं और लाते हैं, घर भी लाते हैं, और इनको खाना भी बहुत पसंद है। तो आप मेरे पापा की खुशी देख के जान जाओगे कि देखो यहाँ पे जो है मीटर की क्वांटिटी भी उतनी लेते हैं जितना खाना है। उसके बाद ये अंकल तो आते ही रहते हैं, तो हम लेते ही रहेंगे। अंकल भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वो वीडियो में आ रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर मेरे आप चैनल पे नए हो ना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लाइक भी करिए, क्योंकि लाइक से ना आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है मुझे आगे ब्लॉगिंग के लिए। अगर लाइक्स नहीं आते ना तो मुझे भी ब्लॉगिंग का मन नहीं करता। तो आप जो है ना लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इतनी सारी चीज़ें जो है ना मम्मी खरीद चुकी है घर के लिए और श्रव्या के लिए। ये सारे खाने की चीज़ें ना मम्मी टेबल के ऊपर रख देती है ताकि श्रव्या उठे और वो खाएं। तो हमारा जो है सुबह उठ करके जो है पूजा पाठ हो चुका है। पूजा पाठ करने के बाद जो है अब मैं नाश्ता प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा आज भजिया बना दिया जाए। तो मॉर्निंग और भजिया चटनी अच्छा लगता है, डेली बेसिस पे ये अच्छा नहीं लगता है, पर ये जो है ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ना चना की सब्जी भी बनाया गया है और यहाँ पे पूड़ी भी बनाया गया है। तो चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो मम्मी और पापा जो है ना वो मॉर्निंग में पूजा पाठ करके घर की सफाई करके जो है ना यहाँ पे फल खा रहे हैं। फल खाना बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। और शबे भी जो है ना अपने नानी नाना जी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है और नाना से जो है खूब बातें करती है। तो शबे को भी यहाँ अब अच्छा लगने लग गया है, वो एडजस्ट हो गई है। तो चलो अब देखते हैं कि नाश्ते में हम क्या बनाएं। वैसे नाश्ते में तो मैं भजिया बना ही रही हूँ, भजिया के साथ साथ हम चटनी बना लेंगे। तो आओ आप भी देखो। और ये हमारा भजिया तैयार है। आपको पता है ये जो जिस कढ़ाई में भजिया बन रहा है ना, ये कढ़ाई जो है ना बहुत पुरानी है, बहुत मेरे ख्याल से जब हम पैदा हुए थे ना तब का ये जो है कढ़ाई चलता आ रहा है। और इस कढ़ाई में जो है ना कुछ भी चीज़ पकाने से बहुत ही अच्छी तरह से पकता है। मतलब क्या होता है नई कढ़ाइयों में क्या होता है, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम आ ही जाती है, पर ये कढ़ाई ना मतलब ऐसा जिसका जो कढ़ाई काला रहता है ना, समझ जाइए कि वो काफ़ी साल से चलता आ रहा है, काफ़ी साल से पुराना है और हर घर का ना फेवरेट यही कढ़ाई रहता है। तो चलो हमारा भजिया बन चुका है, चटनी बन चुका है, पापा जी को दे दिया जाए। तो यहाँ पे मैं पापा को दे रही हूँ नाश्ता। मेरे हाथ में बेसन लगा ही है। पापा बोल रहे हैं कि भजिया बहुत ज़्यादा हो चुका है, नहीं खा पाऊँगा। श्रव्या को देने के लिए बोल रहे हैं।
तो अब मैं बनाऊंगी चना। तो आप ही ना मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते जाइए, फिर मैं अपने लिए चना मसाला बनाऊंगी। आज का ब्लॉग जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है। हम यहाँ जरी में जो है ना, जरी बोलते हैं शक्ति नगर है, बी टाइम कॉलोनी, यहाँ हम कुछ ही दिन रहेंगे, एक दो दिन और रहेंगे, फिर यहाँ से हम चले जाएँगे उदयपुर जाएँगे, उसके फिर आपको जो है ना उदयपुर का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये जो है मैं अपने लिए स्पेशल चना मसाला बना रही हूँ। चना मसाला के साथ ना अगर आप ऑनियन डाल दो और मिक्सचर डाल दो और फिर अगर उसमें लेमन डाल दो ना, तो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इंजॉय करिए मेरे ब्लॉग का, और इस छोटे से ब्लॉग को जो है मैं कुछ देर में एंड कर दूँगी और मैं फिर से हाजिर होंगी एक अच्छे छोटे से नए से प्यारे से ब्लॉग के साथ। ओके, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आती हूँ फिर। आप हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में, हमेशा तरक्की पाते रहिए। तो टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।